अगर इसकी शुरुआत हम करें तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने बड़े बड़े साइज देसी घी व छत्तीसगढ़ का शुद्ध खांड से घेवर तैयार। चार दीवारी के अंदर नहीं है, यहाँ पर देखिए जो है इसमें तमाम प्रोसेस चल रहे हैं। आप पर देख सकते हैं भट्टी का काम चल रहा है यहाँ पर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। हिंदुओं का त्योहार पास है, आपको बता दे चाहे भैया दूज हो या फिर रक्षाबंधन, सभी त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में मिठाइयों की डिमांड खूब रहती है और जिसमें घेवर का नाम सबसे ऊपर आता है। आज हम आपको ऐसी दुकान पर दिखाने वाले हैं जो कि शुद्ध देसी घी व छत्तीसगढ़ का शुद्ध खांड से घेवर तैयार करते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले तो मैं आपको इनकी दुकान दिखाता हूँ। ये दुकान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर इसकी शुरुआत हम करें तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने बड़े बड़े साइज के यहाँ पर जलेबा रखे हुए मिल जाएंगे। इन्हें जलेबी भी कहते हैं लेकिन इनके साइज बहुत बड़े हैं। अब हम दुकान के थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ढेर सारे कस्टमर यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो ले रहे हैं, कितने तरीके के घेवर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे घेवर ले रहे हैं? हाँ भाई, घेवर ले रहे हैं। कितनी बार ले चुके हैं भाई? पिछली बार लिया था 2-3 बार और अब ये ओपन हुई है दुकान तो फिर आगे दोबारा। टेस्ट भाई ए नंबर का टेस्ट है, बाकी था देखो आप, आपने बेरा लगा हमें भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। शुद्ध देसी घी का उपयोग तो लगता है खाके एकदम भाई, जो देसी घी खाने होगा वो खाते गिल के साथ बता देगा, बिल्कुल बता देगा देसी। हाँ बिल्कुल देसी घी है भैया। क्या कहेंगे, कैसा स्वाद लगा? स्वाद का कोई मुकाबला ही नहीं है सर। हम जैसे मैं केम फ्रॉम गुड़गांव, तो मैंने वहाँ पे जो खाते हैं, जो मुझे यहाँ पे जो प्योरिटी है एक अलग ही टेस्ट है वहाँ। यहाँ मेरे आपको सामने बन रहा सब चीज़ जो भी है, लिखा हुआ है शुद्ध देसी घी और खांड, बिल्कुल डिजर्व है सर, बिल्कुल आपके सामने बन रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन नहीं है, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके चीज़ें कोई हिडन नहीं है, आप देख सकते हैं सब चीज़ों के लिए। कितनी दूर से आए लगभग घेवर लेने? मैं अभी अपने घर के रोहतक की तरफ से आया, गुड़गांव जा रहा है तो मैं घर के लिए लेते हुए जा रहा हूँ। अच्छा बताइए, इन दुकान का घेवर जो है बाकियों से कैसा अलग है, क्या चीज़ है जो स्पेशल है? आपकी यहाँ पे खड़े आपको खुशबू लगा रही होगी आपको, आप गुड़गांव में बड़े बड़े आप हल्दीराम बीकानेर ओम स्वीट जाएंगे, आपको वहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, दिखेगा नहीं आपको क्या बन रहा है, कैसा घी यूजर सोची रही है, आपको सब चीज़ें खुला है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रॉस कर रहे गुजर रहे हैं, आपको एक अलग सी महक आपको अट्रैक्ट कर लेगी। बिल्कुल इन्होंने एक बात सही बोली, जो महक है वो अलग है, देसी घी और जो खांड का उपयोग कर रखा है वो महक ही बता देती है। अंदर चलते हैं, सब कुछ ओपन है, कोई हिडन नहीं है, कोई चार दीवारी के अंदर नहीं है। यहाँ पर देखिए जो है किस तरीके से हलवाई काम कर रहे हैं। भैया इस वक्त क्या काम चल रहा है जी? ये मावा बनना है दूध जी, भैंस के दूध का। तो दूध को एकदम जला रहे हैं बढ़िया सा मावा बनाने के? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना लगभग समय लग जाता है? इसे लग जाता है 7-8 किलो दूध फूकने में करीबन का आधा घंटा, आधा घंटे में आप हो जाते हैं? जी जी। देखा आपने, एक तरफ मावा चल रहा है, दूसरी तरफ ये देख सकते हैं किस तरीके से मतलब बढ़िया तरीके से घेवर जो है अभी अभी बन के तैयार हुए हैं और इसमें तमाम प्रोसेस चल रहे हैं। आप पर देख सकते हैं भट्टी का काम चल रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई है यहीं पर, जो बैठ के भैया चाशनी बनाते हैं। भैया क्या कहेंगे, एकदम बढ़िया काम चल रहा है? हाँ जी बढ़िया चल रहा है जी, एकदम कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, पूरी शुद्धता से बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद है, अब इनके ऑनर से मिलते हैं जिनकी पूरी दुकान है, उनका क्या कहना है किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किस तरीके से भीड़ जो है वो उनको आकर्षित कर रही है। इससे पहले हम देख सकते हैं तमाम तरीके के घेवर रखे हुए हैं। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से घेवर जो है तैयार हो रहा है, उसको चासनी में डुबोया जा रहा है और पूरा जो घेवर का स्ट्रक्चर एक तरीके से तैयार हो गया है। साथ ही पूछते हैं कि घेवर का जो क्या रेट है, काफ़ी किस्म के हैं, शुद्धता इस घेवर में बहुत नजर आ रही है, हमने खाए भी। अब बात करते हैं रेट की, भैया यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या आज ये वाला सादे का 300 रुपये रेट, और ये वाला दूध वाला इसका 350 रुपये रेट है, और जो ये मावे वाला है इसका 400 रुपये है। 400 रुपये जी, इसका क्या बताया था आपने? 300 रुपये, यानी 300 से 400 रुपये के बीच में सारे घेवर है। और कुछ जनता से कहना चाहेंगे जो आपकी दुकान पर आएंगे? आओ जी, बढ़िया चीज है, खाओ और औरों को बताओ जी, हम तो ये कहेंगे। बिल्कुल, देखो सर क्या कहेंगे घेवर के बारे में, कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? एक तो सादा घेवर है सिंपल, एक दूध वाला है लाल वाला, और एक है हमारे पास मोए वाला, जिस पर हम दूध, रबड़ी बोल लो, मलाई बोल लो, मावा बोल लो, कुछ भी बोल लो, घेवर में बिल्कुल शुद्धता मिलेगी जैसा आपने बोर्ड में? बिल्कुल शुद्धता मिलेगी, जैसे भी ये मक्खी वगैरह परेशान कर रही है इसके लिए मच्छरदानी लगा रहे हैं, मच्छरदानी सबका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जैसे आपने लिखा है खांड का उपयोग, तो मैंने देखा आजकल बहुत कम हलवाई जो है इसका उपयोग करते हैं और लिखते भी बेहद कम है, तो आपने कैसे सुझाव सोचा कि चीनी का नियम खांड का उपयोग करें? ऐसा जी, सब कुछ ना कुछ वाई चीनी का सब खुआ है जी,
अपना वही काम जमाने के लिए भी बोलो, और दुनिया को शुद्ध खुवाने के लिए भी हमने खांड का प्रयोग किया है। जैसे आपने खांड का पहले भी वो कहते भाई खांड खाते थे, ऐसे शुगर वगैरह नहीं होती जैसे चीनी होना, तो खांड से मतलब कि ये परेशानी नहीं आओगी। खांड जैसे खाओगे नॉर्मल एक मिठाई है। अच्छा, ग्राहक जो एक बार आता है वो बार बार आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, बार बार आते हैं जी। जैसे अभी गुड़गांव से सुबह आप आए, 6,000 का एक जना की ओर लेके गया, 6,000 का। हाँ जी, और आगे तो त्योहार आने वाले हैं तो बिक्री की आपको शुरुआत हुई है जी। अब की बार पहले दो इतना ही काम, अब की बार दो और पीछे तक बताना जी। और कितने सालों से जो है लगभग आप घेवर बना रहे हैं जी? अभी दूसरा ही साल है जी। दूसरा साल? हाँ ठीक है। और बिल्कुल एकदम शुद्ध देसी घी का और भैंस के दूध का? घी और भैंस के दूध से मोवन निकलते हैं और यही अब। अच्छा, एक बार ये पता बता दीजिए जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, दूर दूर से आएंगे तो पता बता दीजिए। ये जी गांव जाड़ोदा में है, नजोगढ़ गांव जाड़ोदा में है, और सामने अथॉरिटी है और बगल में 4 किला पार्किंग है बाबा हरिदास की। किसी से भी पूछ लेना भाई 4 किला पार्किंग जानी है, उसे आगे अपनी दुकान मिल जाएगी। साथ ही बार नंबर और देख के स्क्रीन पे बता दीजिए कि ताकि किसी को दिक्कत ना हो। नंबर 8930414175। तो आपने देखा, हम इनसे बात करी, आप यहाँ पर आ सकते हैं। आगे काफी सारे हिंदुओं के त्योहार आने वाले हैं जिसमें मिठाइयों की धूम मचने वाली है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हिडन या चार दीवारी के अंदर काम नहीं है, जो भी है सब आंखों के सामने। यही बात सबसे बेहतरीन, आप आ सकते हैं और अपनी आंखों से बनते हुए देख सकते हैं, साथ ही यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। अब आप जरूर आइएगा, हमारी तो राय, बेशक हमने खाकर भी देखा और स्वाद बहुत अच्छा लगा। अब आपकी क्या राय जरूर बताइए और देखते रहे डबल न्यूज।